आज हम आपको एक किल वेस्ट नाम से एक मशीन है जो वेस्टेज को किल करती है, सैनिटरी नैपकिन से लेकर किसी भी प्रकार का वेस्ट जो हमारे ऑफिस में जो वेस्ट निकलता है उसको हमेशा के लिए इसको ख़त्म करती है। तो इसके लिए मैं अभी आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, हमारे सागर जी हैं। सागर जी नमस्कार। नमस्कार। एक सैनिटरी नैपकिन एंड ऑफिस वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जी, जो हर तरफ का स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये लड़कियों का जो सैनिटरी नैपकिन महीने उनका जो पीरियड्स का टाइम है जी, अराउंड 15 सैनिटरी नैपकिन एक लड़कियाँ यूज करते हैं। तो जितना भी सैनिटरी नैपकिन निकलते हैं ये स्कूल में या घर में इकट्ठा होते हैं, तो उसको डिस्पोज करने के लिए ये मशीन, उसका कुछ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं होता है और एक एमिशन कंट्रोल डिवाइस भी इसमें लगी हुई है। तो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं होता, तो किससे ये? ये नेचुरल ड्राफ्ट और पायरोलिसिस करके टेक्नोलॉजी से ये करते हैं। अरे वाह। सो ये विदाउट एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, अगर 100 किलोग्राम आप जलाएगा तो उसमें से 4 किलोग्राम ऐश निकलेगा। अच्छा। तो ऐश आपको टेस्टिंग करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वो डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब आप ऐश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 4 साल से ये मशीन केरला से बना के पूरा इंडिया में बेचते हैं और सबसे ज़्यादा आर्मी में बेच चुका है और हम इधर स्कूल्स में देने के लिए एक नया प्रोजेक्ट ये लगाए। ये आपने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश आश्रम में लगाई है ताकि यहाँ बहुत संख्या में लोग आते हैं पूरे देश से, तो सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और कितनी कॉस्ट है इसकी? दिस विल कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख। 2.5 लाख ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी और दोस्त। ओके। मुझे एक बार फिर बताइए ये जो हीटिंग सिस्टम कैसे चलता है? इसमें 4 लेयर का इंसुलेशन दिया हुआ है जी। तो ये तंदूर जैसा काम करता है। हाँ। तो इसमें जो कचरा है उसका ही कैलोरीफिक वैल्यू को इस्तेमाल करके वो जलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी हमने, कचरा ही जलाने के फ्यूल है। अरे वाह। हर कचरा में एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है, उसको इस्तेमाल करके वो जलाने के लिए हमने एक मशीन डिजाइन की। ठीक है। इसमें कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसलिए कुछ सर्विस और ब्रेकडाउन्स का प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी है कुछ क्या? नहीं, ये इसमें मूविंग पार्ट्स कुछ नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं होता, कुछ क्लीनिंग वो सब बीच बीच में करना पड़ता है। हम एक नया गाड़ी कैसे संभालते हैं ऐसे संभालना है। इसको ये करना है। और ये पूरा हमने जो वेस्ट डाला है वो अभी ऑलरेडी जल गया है जी, खत्म हो गया है और वो एक घंटे के अंदर एक साइकिल में 50 किलो तक ये मशीन में कर सकते हैं और वो करने के बाद वो नीचे राख बन के, इसके बाद इसकी राख बन जाएगी, 50 किलो वेस्टेज जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। और ये किलो पोल्यूशन ना हो। आप आइए जी। आप कर्नल हरिराज सिंह राणा जी हैं और बहुत समय से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। कर्नल साहब आप बताइए, आप आर्मी से रिटायर होने के बाद आपने इसी के ऊपर अपना मुहिम बना लिया है, आपने ले में भी इस तरह की मशीनें लगाई हैं? सियाचिन ग्लेशियर में लगाई थी, नूबरा वैली में लगाई, तो लास्ट पोस्ट है पोस्ट 9 नूबरा वैली के अंदर, उधर भी लगाई। और एनवायरनमेंट से मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तकरीबन उत्तराखंड में 1 करोड़ के करीब तो पौधे हमने रिमोट एरियाज में लगाए, बद्रीवन बनाया बद्रीनाथ में जी, बहुत काम करा है। तो पलायन ना हो उसके लिए मलारी का जो रीजन है चाइना बॉर्डर पे, उधर भी बहुत काम किया। और अभी क्योंकि कचरा जो है वो हमारे पानी को भी पॉल्यूट कर रहा है, अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है जी, और इसका कोई समाधान नहीं है। ये सबसे सस्ता समाधान है कि अगर हम अपने घर में जो कूड़ा निकल रहा है या हमारे स्कूलों में निकल रहा है या ऑफिस में निकल रहा है या आर्मी यूनिट में निकल रहा है, उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ये नहीं होगा कि फिर ये कचरे को ले जाकर नदी के किनारे डाल दो, डंपिंग जोन बना दो और ज़मीन का अंडरग्राउंड पानी भी ख़राब हो रहा है, गंदगी भी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो उसके लिए आजकल ये एक नया एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में मैं इनके साथ में। अब देखिए ना, दिल्ली में तो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं और उस पर सरकारें गिर जाती हैं, एक कहता है कि मैं कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा और तब मुझे वोट दीजिए, और पहाड़ हटा नहीं है, सरकार बदल गई नहीं, लेकिन उनको अगर वो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे जो है
10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का, तो उनको मालूम चलेगा पूरा जो पानी आर्सेनिक बना हुआ है यमुना, उस पानी को पी के लोगों को कैंसर भी होगा, दुनिया भर की बीमारियां भी। उस स्थान से यमुना केवल 7-8 किलोमीटर है, अंडरग्राउंड वाटर तो छोड़िए, इतनी बड़ी नदी जो दिल्ली में बह रही है, दिल्ली में कई कूड़े के पहाड़ हैं। साहब मैं एक बात आपने यमुना की कह दी, और हर सरकार आके बोलती है वोटिंग करेंगे और मैं इसमें जाके डुबकी लगाऊंगा, है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। गंगा टास्क फोर्स बनाई आर्मी की रिटायर्ड जवानों की जी, और इलाहाबाद और बनारस के अंदर जो सूज थी जिसे इंडियन डॉल्फिन बोलते हैं वो भी वापस आ गई है, इतना बड़ा काम किया है। वेरी नाइस। गंगा क्लीनिंग के ऊपर कि शायद वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड होगा कि जो आर्मी की जो गंगा टास्क फोर्स बनी है वो एक नमूना है, और दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार हो, मुझे उन सरकारों से मतलब नहीं है, यमुना अगर साफ करनी है मुझे लगता है एक गंगा टास्क फोर्स का यमुना टास्क फोर्स बना दें और ज़्यादा से ज़्यादा साल दो साल के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, कितनी अच्छी बात बताई है कर्नल राणा जी ने हमें, और मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस मुहिम में जुड़िए, आपके आसपास कहीं भी इस तरह की समस्या है और उसका समाधान भी आज आपको दे रहे हैं, और आप हमें लिखें और हम उसका कहां से फंड आएगा, कैसे सरकार से भी हम फंड ले सकते हैं, तो ये सब हम आपको दिखाते हैं। मैं निर्मल रतनलाल वैद, इसी प्रकार से आपको जो भी इस देश में ऐसे कार्य कर रहे हैं उन सबको मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मुहिम से भी जुड़ें, यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।